एसिस्ट वाले यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कोल्हान यूनिवर्सिटी के लिए AEC हिंदी के लिए सर्वनाम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। चलिए देखते हैं। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में मुख्यतः 11 मूल सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, तुम, यह, वो, आ, जो, सो, कौन, कोई, कुछ। उसके बाद हम सर्वनाम के प्रकार देखेंगे। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए एक एक करके उनका परिभाषा देखते हैं हम। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन शब्द से किसी व्यक्ति का बोध होता है वे शब्द पुरुषवाचक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद हम देखेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के परिभाषा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले खुद अपने लिए करते हैं ऐसे सर्वनामिक उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हमारा, हम, हमको, मुझको आदि। उसके बाद दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम सुनने वाले और सामने वाले के लिए करते हैं ऐसे सर्वनामिक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, तुमको, आप, आपने, आपको। उसके बाद तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वो, यह, इसको, उसका, उसने, यह इत्यादि। उसके बाद हम सर्वनाम के दूसरा भेद देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन के बोध के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वयं, अपने आप, खुद, निजी आदि। उसके बाद हम तीसरा भेद देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामिक शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना निश्चयतम होने के संकेत मिलता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण यह, वो, ये, वो इत्यादि। चौथा नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामिक शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित ना होने का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कई, कौन, किसने, उन्होंने, जो, जहां आदि। संबंध। उसके बाद पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। वैसे सर्वनामिक शब्द जिनसे दो पदों का संबंध का पता चलता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण जैसे, वैसे, जो, सो, ऐसा, वैसा, जितना, उतना, जिसका, उसका आदि। उसके बाद लास्ट है हमारा छठा नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनामिक शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, कौन, कैसे, कहाँ, किसको, किस लिए। इसी के साथ सर्वनाम आपका कंप्लीट होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।